नमस्कार, आप देख रहे हैं HHS हरियाणा न्यूज। ताजा खबरों में आपको बता दें कि हरियाणा में मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ 12 MLA भी लेंगे मंत्री पद की शपथ। कौन होंगे वो 12 MLA, किस समुदाय से होंगे और किस किस पद की शपथ लेंगे, आप सभी को ये जानकारी हम देंगे। खासतौर पर दलित समाज के भी दो विधायक इनमें मंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी सरकार बहुमत से आई है। इसमें अहम बात यह रहेगी कि पूर्ण बहुमत की सरकार आने के बाद भी अब की बार डिप्टी सीएम का पद खाली रहेगा। डिप्टी सीएम पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। डिप्टी सीएम पद के लिए वो जरूरत के अनुसार जब जरूरत होगी तब डिप्टी सीएम पद के लिए फैसला लिया जाएगा। वहीं स्पीकर पद के लिए यह स्पष्ट कर दिया गया है कि RSS बैकग्राउंड वाले विधायक को ही उसके लिए चुना जाएगा, जिसके लिए हरविंदर कल्याण, मूलचंद शर्मा और अनिल विज जी का नाम सबसे आगे रहेगा। कैबिनेट मंत्री बनने के इच्छुक रहे रणबीर गंगवा बेस लाइन में है, लेकिन उनको ना तो डिप्टी स्पीकर दोबारा से बनाया जाएगा और ना ही स्पीकर बनाया जाएगा। ये बात भी स्पष्ट हो चुकी है। स्पीकर के साथ साथ जो नाम आ रहे हैं वो हरविंदर कल्याण जी और मूलचंद शर्मा जी और अनिल विज जी के नाम, इन तीनों के नाम सबसे आगे आ रहे हैं। इसमें से 12 जो विधायक भाजपा सरकार भाजपा पार्टी से जो 12 विधायक जनता के द्वारा चुनकर आए हैं उनको मंत्री पद भी दिया जाएगा। उनमें सबसे पहला नाम अनिल विज, महिपाल डांडा, कृष्ण गहलावत, सुनील सांगवान, विपुल गोयल, राजकुमार गौतम, अरविंद शर्मा, रणबीर गंगवा और दक्षिण हरियाणा से सांसद, गुड़गांव से सांसद राव इंद्रजीत सिंह जी की पुत्री आरती राव, जो कि अटेली से अभी विधायक चुनकर आई है, उनको भी मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। उनके साथ लक्ष्मण यादव, किशन बेदी, किशन लाल पवार, विनोद और उनके साथ किशन मिंडा, लगभग 12 विधायकों को मुख्यमंत्री शपथ के साथ ही शपथ दिलाई जाएगी। ऐसी जानकारियां हम आपको देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को शेयर भी करते रहें ताकि क्षेत्र की आम जनता हमारे साथ जुड़ सके।